मध्य प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए टुडे हिमाचल चैनल को, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। केंद्र सरकार के आज साल पीएम मोदी से मिले जयराम, 31 मई को हिमाचल आने का दिया न्योता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। उन्होंने मोदी को हिमाचल प्रदेश आने का निमंत्रण दिया। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सीएम ने 31 मई को हिमाचल प्रदेश में राष्ट्र स्तरीय समारोह करने का पीएम से आग्रह भी किया। सीएम ने कहा कि हिमाचल इस समारोह को आयोजित करना चाहता है जिसमें देश के सभी जिले शामिल होंगे। संचार क्रांति के मसीहा पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री पंडित सुखराम का दिल्ली एम्स में निधन। हिमाचल प्रदेश के राजनीति के चाणक्य और संचार क्रांति के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। 60 साल के सियासी सफर में संचार क्रांति का सूत्रपात कर हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से राज्य की देश भर में पहचान बनाने वाले पंडित सुखराम की मंगलवार रात 1:30 बजे नई दिल्ली एम्स में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उनके बेटे पूर्व मंत्री एवं मंडी के विधायक अनिल शर्मा ने बताया कि पंडित सुखराम के पार्थिव शरीर को सड़क मार्ग से दिल्ली से मंडी लाया जाएगा। हिमाचल में अब खिलाड़ियों को 120 रुपए मिलेगी डाइट मनी, सरकार ने राशि बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश में स्कूल स्तर की अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के डाइट मनी को सरकार ने बढ़ा दिया है। अब 120 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से डाइट मनी खिलाड़ियों को निर्धारित कर दी गई है। प्रदेश सरकार की ओर से इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई। इस हिसाब से नई डाइट मशीन के हिसाब से खिलाड़ियों को 3 समय का खाना परोसा जाएगा। संजौली में दिन दहाड़े घर से 8 लाख के आभूषण चोरी, 10,000 नकद भी ले उड़े चोर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में चोर गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। शहर के उपनगर संजौली में दिन दहाड़े छात्र चोर घर में रखे हुए 8 लाख के जेवर लेकर फरार हो गए। इसके अलावा घर में जरूरी काम के लिए रखा 10,000 का कैश भी चोर ले गए। ढली थाने में शिकायतकर्ता मिनी वर्मा ने मामला दर्ज करवाया है कि बीती 10 मई को वो सुबह करीब 8 बजे किसी काम से घर से बाहर गई। इस दौरान घर पर कोई नहीं था। देर शाम को जब वो वापस लौटी तो देखा कि घर के कमरों के ताले टूटे थे। अंदर जाकर देखा तो अलमारी से सोने की चेन, सोने का मंगलसूत्र, 3 सोने की अंगूठियां, 5 सोने की बालियां, कुछ चांदी के सिक्के, 3 चांदी के पायल और नकद 10,000 रुपए चोरी हो चुके थे। प्रतिभा सिंह बोली, टिकट देने से पहले सर्वे कराएगी कांग्रेस पार्टी। हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में टिकट आवंटन में पहले हाईकमान सर्वे कराएगा। सर्वे में जिता उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिन सीट्स में 3 से अधिक बार विधानसभा चुनाव हारी है उन सभी सीट्स को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकी जाएगी। बीटेक प्रवेश परीक्षा के लिए 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की प्रति कोर्स 60 सीट्स पर प्रवेश लेने के लिए 12 मई से एडमिशन पोर्टल खुल जाएगा। पंडित सुखराम का निधन, 7 दिन तक शोक मनाएगी कांग्रेस, नहीं होगा कोई भी कार्यक्रम। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय दूरसंचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम के निधन पर दुख प्रकट किया है। कहा कि उनके निधन से कांग्रेस और प्रदेश को नुकसान हुआ। प्रदेश कांग्रेस 7 दिन तक शोक मनाएगी। इस दौरान पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। बुधवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन शिमला में शोक सभा रखी गई है। नौकरी का मौका, सेल एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट के भरे जाएंगे 10-10 पद। बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है। भुंतर की एक निजी कंपनी में सेल एग्जीक्यूटिव और अकाउंटेंट के 10-10 पद भरे जाएंगे। अकाउंटेंट पद के लिए शैक्षणिक योग्यता, वाणिज्य संकाय में स्नातकोत्तर और सेल एग्जीक्यूटिव पद के लिए स्नातक अनिवार्य है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे 11 आरोपी। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में अब तक पकड़े गए आरोपियों को बुधवार को कांगड़ा न्यायालय में न्यायाधीश शिखा लखनपाल की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 11 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। आरोपी संजय कुमार को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। आरोपी संजय कुमार को 13 मई को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी वारंट लेकर गए पुलिस कर्मचारियों पर दराज से हमला, आरोपी गिरफ्तार। पर्यटन नगरी मनाली के सरसई गांव में रह रहे बिहार के एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर आरोपी ने दराज से हमला कर दिया।
इससे कांस्टेबल की बाजू, गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। उसे अदालत में पेश करने की प्रक्रिया चल रही है। बिहार का संजय दास करीब 2 दशक से सरसई गाँव में रह रहा है। सरसई में उसकी फास्ट फूड की दुकान है। पावटा में घर की छत पर लहराते मिला भिंडरा वाले की फोटो लगा झंडा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के तपोवन स्थित हिमाचल विधानसभा के मुख्य गेट व दीवारों पर खालिस्तानी झंडे लगाने की घटना के बाद पुलिस अलर्ट पर है। पावटा साहिब के देवीनगर वार्ड 10 में एक रिहायशी घर की छत पर भी बुधवार को भिंडरा वाले की फोटो वाला झंडा लहराते मिला। पुलिस ने झंडा कब्जे में लेकर परिवार वालों से पूछताछ शुरू कर दी। घर की छत पर झंडा लहराने का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है, जिसके बाद पावटा पुलिस व खुफिया विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जहरीली शराब के अवैध कारोबार के आरोपी ने हाईकोर्ट से वापस ली जमानत याचिका। शराब के अवैध कारोबार के कथित आरोपी नीरज ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से जमानत याचिका वापस ले ली है। पुलिस की जांच में आरोप है कि नीरज ठाकुर के होटल से काफी मात्रा में शराब की अवैध खेप बरामद हुई थी। बिना चालक की चल पड़ी गाड़ी, बाल बाल बचे 6 पर्यटक, ऐसे चला बड़ा हादसा। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली के अंतर्गत सिमसा में बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा होने से टल गया। सड़क पर खड़ा एक टेम्पो ट्रैवलर खुद ही चल पड़ा और आगे पार्क किए गए 2 वाहनों से टकरा गया। जानकारी के अनुसार चालक फोन सुनते हुए गाड़ी से बाहर निकला। वो फोन पर बात कर ही रहा था कि अचानक टेम्पो चल पड़ा और आगे पार्क किए गए 2 वाहनों से टकरा गया। देश के सबसे लंबे रूट पर 15 मई से दौड़ेगी हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस। अटल टनल रोहतांग के रास्ते लेह लद्दाख की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम का केलांग डिपो 15 मई से देश के सबसे लंबे लेह दिल्ली रूट पर बस सेवा शुरू करेगा। बस सेवा शुरू होने पर यात्रियों को लेह दिल्ली के सफर के लिए 1742 रुपए किराया देना होगा। ये बस सेवा 8 माह बाद शुरू होगी। शुरुआती दौर में यात्री इस रूट पर सफर को यादगार बना सकते हैं। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।